तो कल अचानक क्या हुआ कि मैं अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा था काम करते करते एम एस वर्ड में पता नहीं ऐसी कौन सी की दब गई कि जिससे मैं जो भी शब्द टाइप कर रहा था तो पुराने शब्द मिटते जा रहे थे और नए शब्द आते जा रहे थे पता नहीं वो कौन सी की थी तो अभी भी 99% यूज़र ऐसे हैं जिनके कीबोर्ड्स में ये कीज़ दी गई होती हैं लेकिन फिर भी उसके बारे में उनको जानकारी नहीं होती आप चाहे 10 साल से कंप्यूटर चला रहे हो चाहे 5 साल से कंप्यूटर चला रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसी कीज़ अभी भी हैं जिन्हें हम कभी यूज़ नहीं करते और जो बहुत यूज़फुल होती हैं नमस्कार मैं अभिनी भरद्वाज आपका स्वागत करता हूं माई बिग गेट स्मार्ट क्लास में इस चैनल पर हमेशा आपके लिए ऐसे ही टेक्निकल जानकारी लेकर आता रहता हूं तो अगर आपको रोज नई वीडियोस के रोज नई जानकारी लेनी है तो नीचे यहां पे कॉर्नर में सब्सक्राइब का बटन दिया गया है उसको दबाइए उसके साथ में बेलाइकन भी दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे और अगर हमारे पुराने वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के सारे लिंक दिए गए हैं वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट फोटोशॉप कंप्यूटर के ढेर सारे टिप्स ट्रिक्स बहुत सारी जानकारी है बहुत सारा ज्ञान है जल्दी से बटोर लीजिए चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं तो देखो तो स्क्रीन पे समय जो आपको कीबोर्ड दिख रहा है उसके साइड में ऊपर आपको एक की दिख रही होगी जिस पे दो चीज़ें लिखी हैं पॉज और ब्रेक अब ये दो चीज़ें जो पॉज और ब्रेक हैं वो क्या हैं और इस बटन का यूज क्या है आखिर आपने कभी अगर इस बटन को यूज़ नहीं किया है तो आज इसका यूज भी बताऊंगा आज के समय में क्या यूज है और पहले समय में क्या यूज होता था आगे आपको इंसर्ट की का जो यूज है वो बताने वाला हूं कि जो एमएस वर्ड में मेरे साथ हुआ था वो क्या घटना थी और उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं और अगर आपको इस तरह से ओवरलैपिंग करनी है तो भी आप कैसे कर सकते हैं तो देखो पॉज ब्रेक की का जो यूज़ था पहले ज़माने में किया जाता था किसी भी टास्क को पॉज करने के लिए देखो अभी तो आपके पास बहुत सारे फंक्शंस हैं आपके पास माउस है आप क्लोज कर देते हो किसी भी चीज़ को लेकिन जब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं हुआ करता था हम टेक्स्ट इंटरफेस पे जब काम किया करते थे तब जो टास्क थे उनको रोकने के लिए पॉज करने के लिए ब्रेक करने के लिए इस की का इस्तेमाल होता था और ये बहुत सारे जो कीबोर्ड है उसके अंदर तो अब आती भी नहीं है अब तो ये कुछ कीबोर्ड्स के अंदर आती है तो अगर आज के टाइम में किसी प्रोग्राम में इसकी का यूज़ आप देखना चाहते हैं तो अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करिए और रिस्टार्ट करते समय वहां पर जो बूट स्क्रीन आता है उस समय इस की को आप प्रेस कर दीजिए तो वहां का जो बूट स्क्रीन है वो पॉज हो जाएगा यानी रुक जाएगा और जब इस की को आप दोबारा से प्रेस करेंगे तो वो जो स्क्रीन का जो पॉज हुआ है वो रिज्यूम हो जाएगा और आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट कर पाएंगे बहुत लोग इसका यूज़ करते हैं कुछ प्रैंक्स करने के लिए कि वो जब कंप्यूटर बूट करता है जब कंप्यूटर शुरू होता है तो इसकी को प्रेस कर देते हैं तो वो बूट स्क्रीन वहीं पर रुक जाती है दूसरा यूज़ आप इसका कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर कि आप अगर कोई भी टास्क कर रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट में और वो टास्क रन कर रहा है जैसे आपने ट्री कमांड लगाया जिससे सारी डायरेक्टरीज जो हैं वो आपको शो होने लग जाती हैं बहुत तेज़ी के साथ में डेटा नीचे की तरफ स्क्रॉल होता है तो वहां पर अगर आप उस डेटा को रोकना चाहते हैं, तब आप इस पॉज ब्रेक की का यूज कर सकते हैं तो जो तीसरा प्रयोग है पॉज ब्रेक की का वर्तमान समय में आज के कंप्यूटर के अंदर तो वो है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आपके कंप्यूटर की प्रॉपर्टी क्या है कितनी डिस्क लगी है रैम कितनी है ऑपरेटिंग सिस्टम आपने कौन सा डाल रखा है प्रोसेसर कौन सा है तो सिंपल आपको क्या करना है आपको प्रेस करना है विंडोज बटन के साथ में पॉज ब्रेक बटन को और आपके सामने आपके पूरे कंप्यूटर की जो जन्म कुंडली है यानी जो प्रॉपर्टी है वो सामने आ जाएगी और आप बड़े आसानी के साथ में सारी चीजों को देख पाएंगे कि आपके कंप्यूटर के अंदर क्या क्या लगा है तो आशा है आप समझ गए होंगे कि पॉज ब्रेक की का क्या यूज होता है तो इसके अलावा एक की और है जो बहुत यूजफुल है जो आपको जरूर प्रेस करनी चाहिए नीचे दिया गया जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करिए बेल आइकन दबाइए जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो के आप तक पहुंच पाए बहुत यूजफुल की है जरूर प्रेस करिएगा अब चलिए चलते हैं अपनी अगली की की तरफ जो है स्क्रॉल लॉक की और जो आपको कीबोर्ड में यहां पे दिख जाएगी और ख़ास बात तो ये है कि केवल तीन कीज के लिए ही आपके कीबोर्ड के अंदर लाइट्स दी गई होती हैं नम लॉक की के लिए कैप्स लॉक के लिए और स्क्रॉल लॉक के लिए तो स्क्रॉल लॉक की को जैसे आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो कीबोर्ड पे जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी लेकिन इसका यूज़ क्या है चलिए इसका यूज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ तो चलिए हम यहाँ से ओपन करते हैं एम एस को एम एस एक्सएल में न्यू वर्कबुक को हम ओपन कर लेते हैं ये पुराना जो डेटा है इसको क्लोज कर देते हैं तो आप देखेंगे जब मैं कीबोर्ड से यहाँ पर कहीं भी नेविगेशन करना चाह रहा हूँ तो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ एरो कीज़ को आप एरो कीज़ लेफ़्ट राइट डाउन ये सारी कीज़ को मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ स्क्रॉल लॉक को तो आप देखेंगे अभी मैं बी सेल के अंदर हूँ तो बी सेल के अंदर मैंने स्क्रॉल लॉक को यहाँ पे यूज़ किया है तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रॉल लॉक का जो आइकन है वो आ गया है यानी स्क्रॉल लॉक ऑन है और अभी अगर मैं यहाँ पे नेविगेशन कीज़ को यूज़ करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो मेरी शीट है वो ऊपर नीचे नेविगेट होने लग जाएगी और जो मेरा सेल सलेक्शन था वो लॉक रहेगा तो एक्सेल के अंदर आप स्क्रॉल लॉक को यूज़ कर सकते हैं और अभी तक अगर आपको नहीं पता था स्क्रॉल लॉक की के बारे में तो इस वीडियो को लाइक कर देना नीचे कमेंट करके बता देना कि सर हमें नहीं पता था अभी पता चला है और यूज तो यही है कि आप जो स्क्रॉल्स हैं यानी ये जो आपको यहां पे दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं स्क्रॉल्स तो ये अप एंड डाउन करने के लिए होता है या लेफ्ट राइट करने के लिए होता है ये लॉक हो जाते हैं यहाँ पे दिखता है ऐसे है कि सेल लॉक हो गया लेकिन असल में स्क्रॉल लॉक होता है और आप नेविगेशन कीज की मदद से आसानी के साथ में अपनी शीट पे कहीं भी नेविगेट कर सकते हैं तो स्क्रॉल लॉक को दोबारा से अगर हटा देंगे आपका जो बल्ब है कीबोर्ड का वो बुझ जाएगा आप, आप सेल को आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं शीट पर कहीं भी नेविगेट तो कर पाएंगे लेकिन जो सेल का लॉक है वो आपका लगा रहेगा So, ये बहुत यूजफुल की है आपकी कीबोर्ड की जिसे आप यूज कर रहे हैं इसके साथ में एक की और यहां पे दी गई है आपके की में जिसका नाम है ऑप्शन की क्या आपको पता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप में से कोई पाँच लकी लोग अपना साढ़े सात हजार रुपये का फायदा कर सकते हो हमारे सारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्सेज पर चलिए जल्दी से समझा देता हूँ मैं भूमि भारद्वाज एक डिजिटल एजुकेटर हूँ जो पिछले बारह साल से ऑफलाइन और पिछले नौ साल से लगातार ऑनलाइन कंप्यूटर एजुकेशन दे रहा हूँ जिसके लिए यूट्यूब की तरफ से मुझे एक गोल्ड और चार सिल्वर प्ले बटन दिए जा चुके हैं और मेरा मिशन है पूरे इंडिया को

प्रीमियम माउस पैड जिस पर भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको प्रिंट करके मिलेंगे एक फ्री ओ और हमारा जो पेन ड्राइव है वो मिलेगा जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है जिस पर आपको कभी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी हमारे कोर्सेज को देखने के लिए ये पेन ड्राइव चार डिवाइसिस पे काम कर सकता है आपके पीसी पर आपके मोबाइल फोन पर टैब पर और आपके एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी पर अब यहाँ पर इस समय अगर इस कोर्स को आप बाय करते हैं और अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ तो आप में से पांच लोगों को यह कोर्स केवल और केवल ढाई हजार रुपए में मिल जाएगा तो, करेंगे, तो आप देख रहे हैं, ये कोर्स आपको केवल चौबीस सौ निन्यानवे यानी पच्चीस सौ रुपए का मिलेगा तो जो भी पांच लोग पहले ये कूपन कोड यूज करेंगे उनको इस कूपन कोड का फायदा मिल जाएगा ऑप्शन अगर आप अभी तक नहीं जानते तो देखिए यहां पे जो आपका ऑल्ट और कंट्रोल बटन है उसके बराबर में यहाँ बीच में आपको एक आइकन दिखेगा की के ऊपर जिसपे एक छोटा सा एक नोटपैड जैसा आइकन है तो इसकी को हम कहते हैं ऑप्शन की अब ये ऑप्शन की कहाँ काम आती है देखो मैं आपको पहले एक वीडियो में बता चुका हूं कि तो हमारे कीबोर्ड बोर्ड पर बहुत सारी ऐसी कीज होती हैं जो आप माउस से यूज करते हो न की से आसानी के साथ में यूज़ कर सकते हो जैसे विंडोज़ की को तो आपको पता ही है कि यहाँ पे आपके सामने जो स्टार्ट मेन्यू है वो ओपन हो जाता है दोबारा दबा दोगे तो मिनिमाइज़ हो जाता है तो उदाहरण के लिए मैं आपको फोल्डर के अंदर लेके आया हूँ जहाँ पे एम एस वर्ड की बहुत सारी फाइल है अब यहाँ पे ऑप्शन की का यूज़ आप कैसे कर सकते हो तो देखो जब किसी फाइल को सेलेक्ट करना होता है माउस से या की से तो आप ऐसे करके उसको सेलेक्ट कर लेते हो और दूसरा अगर ओपन करना होता है तो आप एंटर प्रेस कर देते हो तो फाइल ओपन हो जाती है लेकिन अभी मैं कि इस फाइल की प्रॉपर्टी आपको चेक करनी है माउस को हाथ मत लगाइए कैसे चेक करोगे फाइल की प्रॉपर्टी बहुत आसान तरीका है आपको यूज करना है ऑप्शन ऑप्शन को जैसे आप प्रेस करोगे तो ये माउस की राइट क्लिक का काम करेगा और आपको आपके जो सारे ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे इसी तरीके से अगर आप एमएस एक्सएल के अंदर हो और आपको किसी भी सेल के लिए राइट क्लिक करनी है तो सिर्फ आपको प्रेस करना है ऑप्शन का बटन और यहाँ पे आपके सामने वो जो मेन्यू है वो आ जाएगा तो ये बहुत यूजफुल की है आप बहुत जगह पर इसका इस्तेमाल कर सकते हो अगर माउस खराब हो गया है आपका तब भी आप ऑप्शन बटन का यूज़ करके इन सारी जो कीज़ हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट कीज़ दी गई होती है कि अगर माउस बिल्कुल ही खराब है मैं कह रहा हूँ चलो माउस को हाथ ही नहीं लगाते हम तब कैसे करेंगे तो पहले तो ऑप्शन के आपने ओपन कर लिया अब आप नेविगेशन की से किसी भी ऑप्शन के ऊपर जा सकते हो और लेफ़्ट वाले जो भी आपके एरो दिए गए हैं उस लेफ्ट के एरो को क्लिक करके और जो ऑप्शन हैं उनके अंदर भी आप जा सकते हो लेकिन अभी इस विंडो को इस ऑप्शन को हमें हटाना है तब आप क्या करोगे तो इसलिए काम आती है आपके की के ऊपर दी गई बहुत इम्पोर्टेंट की जिसका यूज़ हम बहुत कम बार करते हैं तो वो है एस्केप की तो आपके कीबोर्ड के सबसे कॉर्नर में आपको दिखाई देगा ई एस सी लिखा हुआ ये की होती इसलिए है इसलिए कि क्लोज करना है तो देखो अभी तो लेटेस्ट जितने भी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उसके अंदर यहाँ पे ये जो क्लोज बटन है ये दिया गया होता है लेकिन बहुत सारे सॉफ्टवेयर अभी भी ऐसे हैं जिसमें क्लोज का बटन नहीं है जैसे टेली आप अगर यूज करेंगे तो क्लोज आपको नहीं दिखेगा और आपको अगर कोई भी टास्क को क्लोज करना है तो आपको प्रेस करना है एस्केप देखो जैसे अभी मैं एस्केप प्रेस करूंगा तो क्या होगा ये जो टास्क अभी हमने ओपन किया था या जो जो ऑप्शन हमने ओपन किया था वो क्लोज हो गया है सो so, यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ ब्राउज फोल्डर को कोई फाइल अगर ओपन करनी हो तो मैं कीबोर्ड तो से सिर्फ F12 को प्रेस करूँगा मैंने पिछली वीडियो में F1 से लेकर F12 तक के सारे शॉर्टकट्स बताए हैं अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लो बहुत ज़रूरी है आपको पता होना चाहिए अगर आप एक कंप्यूटर यूज़र है तो सो ये लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर आई बटन में भी वीडियो है बहुत ही विस्तार के साथ में सारी चीज़ें बताई हैं सो so, यहाँ पर आप देख रहे हो कि सेवेज करने का एक ब्राउज़र ओपन हो गया है अब इसको मुझे क्लोज़ करना है क्लोज करने के लिए यहाँ जाने की आपको आवश्यकता आप नहीं है आप सिंपल की से एस्केप को प्रेस करिए और ये जो ब्राउज विंडो थी ये क्लोज़ हो जाएगी सो so, ये हमारा चौथा की था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं अब चलिए बढ़ते हैं पांचवें की की तरफ जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैंने समस्या बताई थी कि वो समस्या किस वजह से आ रही थी यहां पे आप देख रहे हैं कि मैंने एक रैंडमली कोई पैराग्राफ टाइप किया है और मैं इस पर टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप देखो कि सारे जो वर्ड हैं वो ओवरलैप हो रहे हैं अब चाहे मैं हिंदी में टाइप कर लूँ चाहे इंग्लिश में टाइप कर लूँ तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा तो पुराना शब्द मिट जाएगा और नया शब्द आ जाएगा ये कैसे हो रहा है ये बड़ी परेशानी वाली बात है आपके साथ भी ये समस्या हो सकती है वैसे ये समस्या नहीं है एक ऑप्शन है और इस ऑप्शन को आप बड़े आसानी के साथ में अनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं मैं सिंपल एक कीबोर्ड से एक बटन प्रेस कर रहा हूं और फिर आप देखो कि अगर अब मैं कुछ भी लिखूंगा तो ऐसा नहीं हो रहा है देखो अभी ऐसा नहीं हुआ है तो अभी आपने देखा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है मैं दोबारा से प्रेस करूंगा तो वही प्रक्रिया दोबारा से शुरू हो जाएगी तो असल में यह है एमएस वर्ड का एक ऑप्शन जिसे हम कहते हैं वर्ड ओवरलैपिंग और यह होता है आपके कीबोर्ड की एक की की वजह से जिस की का नाम है इंसर्ट की तो इस की को कैसे आप एनेबल कर सकते हैं एम एस वर्ड में और कैसे डिसेबल कर सकते हैं ये बताने वाला हूँ और इस की का और क्या यूज है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ तो अगर आपको ये जो ओवरलैपिंग वाला जो ऑप्शन है ये अनेबल करना है या डिसेबल करना है तो सबसे पहले चले जाइए फाइल मेन्यू या ऑफिस बटन पे यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऑप्शन इस पे क्लिक कर दीजिए यहाँ पे वर्ड ऑप्शन खुल जाएगा इसके बाद आपको जाना है एडवांस पे एडवांस पे आपको यहाँ दिखाई देगा एक ऑप्शन यूज द इंसर्ट की टू कंट्रोल ओवर टाइप मोड और यहां पे नीचे ऑप्शन दिखेगा आपको यूज ओवर टाइप मोड सो दोनों से टिक हटा दीजिए अगर ये ऑप्शन आपको नहीं चाहिए यानी इससे हुआ क्या है कि जब भी आप इंसर्ट की को प्रेस करोगे तो ओवर टाइप मोड एक्टिवेट हो जाएगा और कुछ भी टाइप करोगे तो वो पुराने वर्ड के ऊपर टाइप होने लग जाएगा और अगर ये आपको चाहिए तो यहाँ पे टिक लगा दो सो so, इस तरह से आप ओवर टाइप मोड को अनेबल या डिसेबल कर सकते हो इसके अलावा जो इंसर्ट बटन है उसका और क्या यूज़ है सो so, चलिए मैं आपको और यूज दिखा देता हूँ कि मान लीजिए हमने यहाँ से ये वर्ड कॉपी किया कंट्रोल सी से अब आपको ये कहीं भी पेस्ट करना है तो इस वर्ड को पेस्ट करने के लिए आप शिफ्ट के साथ में इंसर्ट प्रेस करो सो तो यहां पे ये जैसे पेस्ट कमांड आपका काम करती है उसी तरह से ये काम करता है तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम